डोंगरगांव में फार्मासिस्ट ने एक चिकित्सक द्वारा पर्ची में मरीजों का नाम पता लिखे बिना प्रतिबंधित दवाएं लिखने की शिकायत की, जिसके बाद चिकित्सक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि चिकित्सक की डिग्रियां छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं है, फिर भी वे यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने इस मामले में सभी डॉक्यूमेंट दिखाए जाने की बात कही है। डोंगरगांव क्षेत्र के डॉक्टर रतन कुमार मंडल द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां मरीजों को लिखे जाने के मामले की शिकायत विजय श्री मेडिकल स्टोर के संचालक हरिशंकर साहू ने प्रशासन से की थी। शिकायतकर्ता हरिशंकर साहू ने बताया कि डॉक्टर रतन कुमार मंडल अपने निवास में क्लिनिक संचालित करते हैं और वहां अपने मरीजों को प्रतिबंधित दवाइयों की पर्ची लिख कर देते हैं, जबकि उन्हें इन दवाइयों को लिखने में पात्रता नहीं है। वहीं अपनी पर्ची में रोगी का नाम पता भी नहीं लिखते हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ है और कानूनन अपराध भी है। खिलाफ जांच प्रतिवेदन के लिए शासन प्रशासन को भेजा गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार से डॉक्टर मंडल का डिग्री व उसका कारोबार पूर्णतः अवैध है और वह विगत 32 साल से ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि प्रतिबंधित दवाई स्टेराइड और एंटीबायोटिक आदि का उपयोग करके अभी वर्तमान में जो ब्लैक फंगस बीमारी फैला हुआ है, उसके कारण भी यह होने की संभावना बढ़ते जाता है। ऐसे प्रतिबंधित दवाई को डॉक्टर मंडल लिख करके लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर रतन कुमार मंडल द्वारा दिए गए दस्तावेजों में उनके पास वैध विशारद प्रमाण पत्र की उपाधि है, जो कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के तहत अधिकृत नहीं है। इस मामले में बीएमओ ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाने वाली दवाइयां इन्हें मरीजों को लिखने की पात्रता नियमानुसार नहीं है। डॉक्टर रत्न कुमार मंडल के खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है। इस मामले में डॉक्टर रतन कुमार मंडल ने कहा कि वह विगत 30 वर्षों से आयुर्वेदिक पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे हैं। शिकायत के जवाब में उन्होंने अपने कागजात उपलब्ध करा दिए हैं। जांच में जो हमने पाया है उस संबंध में जो है उसके सर्टिफिकेट के बारे में और डिग्री के बारे में पूछा गया था, इसका जो पूरा जवाब छानबीन करके हमने थाना प्रभारी को इसका जवाब दे दिया है। 32-33 साल से मैं यहाँ डोंगरगांव में प्रैक्टिस करता हूँ, है ना, और मैं आयुर्वेदिक पद्धति से प्रैक्टिस करता हूँ। दूसरे बात, यहाँ जो मेडिकल स्टोर वाला है, विजय मेडिकल स्टोर डोंगरगांव, वो सिर्फ एक ही स्थिति है कि उसके कहना है कि मैं जो दवाई लिखता हूँ वो उसका दूसरा दवाई दे देता है, और वो जो उसका कहना है कि मैं जो दूंगा उसको तुमको चलाना पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।